वेलकम टू द डेली करेंट अफेयर्स सेशन ऑफ प्लांट एकेडमी। सो इस वीडियो में 1 सितंबर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा आपके कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स में करेंट अफेयर्स जिसमें पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, और अगर प्लांट एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन, हु लॉन्चेस इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन सगुन, किसने इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन, क्या नाम है उस जंक्शन का, तो सगुन यानी कि ऐप, सगुन ऐप किसने लॉन्च किया है, रमेश पोखरियाल निशांक, प्रकाश जावेदकर, राजकुमार सिंह और ज्वल ओरम। सो रमेश पोखरियाल निशांक ये क्या है, तो ये HRD मिनिस्टर है। HRD मिनिस्टर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक, और उन्होंने सगुन नाम के ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये है रमेश पोखरियाल निशांक, और ये ऐप जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है। किस पर्पस के लिए, तो स्कूल एडुकेशन के लिए। ठीक है, कहाँ इसको लॉन्च किया गया, तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। सगुन, सगुन को दो वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स से बनाया गया, शाला, शाला मीन्स होता है स्कूल, उसे सा लिया गया यानी SHA, शाला से SHA लिया गया जिसका मीनिंग होता है स्कूल, और गुणवत्ता जिसमें गुण है मीनिंग होता है उसका क्वालिटी, तो सगुन बनाया गया। ठीक है, एम क्या है इसको लॉन्च करने का, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर टू बी मर्ज इनटू 4 बैंक्स, कितना पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, मर्ज मीन्स आपस में एक दूसरे को मिला दिया गया, विलय कर दिया गया है ताकि वो 4 बैंक्स में कन्वर्ट हो सके, 6, 10, 6, 8, 10 और 11। सो टोटल 10 प्राइवेट यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज किया गया है 4 बैंक्स बनाने के लिए। तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनका बिजनेस कितना होगा, 7.95 ट्रिलियन बिजनेस के पर्पस से इसको इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इन दोनों को मर्ज किया जाएगा और ये 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक होगा और इनका बिजनेस टोटल होगा 15.2 लाख करोड़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, इन तीनों को मर्ज किया जाएगा और ये 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाएगा और इनका टोटल बिजनेस होगा 14.6 लाख करोड़। इंडियन बैंक को मर्ज किया जाएगा अलाहाबाद बैंक के साथ और इनका टोटल बिजनेस होगा 8.08 लाख करोड़ और ये 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी टोटल 10 बैंक को आपस में मर्ज किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम, जेम स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हैज साइन एन MOU, MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ जेम ने MOU साइन किया है, पोस्ट पेमेंट बैंक, सिडबी बैंक, कैनरा बैंक और बंधन बैंक। सो सिडबी इज़ द राइट आंसर, सिडबी बैंक के साथ जेम ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिडबी, सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आई रिपीट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्टैंड्स फॉर। एम क्या है इसको मेमोरेंडम साइन करने का, तो MSMEs यानी कि जितने भी मिनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वेमेन एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और वेरियस बेनिफिशरीज जो है मुद्रा के और स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक MOU साइन किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन PMO, PMO मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसे स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है, PK सिन्हा, राजीव गौबा, अरविंद सिंह और शेखर आनंद। सो PK सिन्हा को PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है PK सिन्हा, ये पहले क्या थे, तो ये पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो राजीव गौबा। ठीक है, और ये बन गए हैं अब स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर PMO ऑफिस में, और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है,
तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट. विच स्टेट लॉन्चेस वॉक टू वर्क कैंपेन, किस स्टेट ने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है वॉक टू वर्क कैंपेन? असम, केरला, ओडिशा और मेघालय. सो मेघालय स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है वॉक टू वर्क कैंपेन. ठीक है, ये कैंपेन पार्ट है फिट इंडिया मूवमेंट का. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था और ये उसी का पार्ट है. तो मेन पर्पज़ क्या है इसको लॉन्च करने का? रिडक्शन जो होता है CO2 का जो एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने का. ठीक है, रिडक्शन इन कंजेशन इन द सिटी, सिटी में जो ट्रैफिक लगते हैं उनको रिड्यूस करने का. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ और फिटनेस प्रोवाइड करवाना सिटीजन्स को. ठीक है, CO2 से बहुत एयर पोल्यूशन होता है, जो जितने भी ट्रैफिक होते हैं उनसे एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है. तो इन्हीं सब चीज़ों को रिड्यूस करके और हेल्थ एंड फिटनेस प्रोवाइड करने के पर्पस से सिटीजन्स को ये स्कीम लॉन्च किया गया है. मेघालय, मेघालय इस एरिया में है जो रेड शिश हो रहा है. ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के? तो कॉनराड के संगमा. और गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तथागत रॉय. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज़ रिवाइज्ड इट्स प्रोजेक्शन ऑफ द इंडियाज GDP ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फ्रॉम 7.3% टू. ठीक है, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत का जो GDP वृद्धि है उसको अपने अनुमान से संशोधित करके 7.3 था पहले अनुमान लगाया गया था. ठीक है, अब वो कितना रिड्यूस कर दिया गया है? 6.7%, 6.8%, 6.9% और 7%. तो अब उसको रिड्यूस करके 6.7% कर दिया गया है. असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC, NRC स्टैंड्स फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, लिस्ट रिलीज किया गया है. और NRC कितना साल लगा NRC को पब्लिश करने में? द NRC टुक डैश ईयर्स बिफोर गेटिंग पब्लिश्ड, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 8 ईयर्स. तो NRC टोटल 5 ईयर्स लिया है पब्लिश करने में. ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया ये लिस्ट? तो प्रतीक हजेला. ये क्या है? तो ये स्टेट कोऑर्डिनेटर है NRC के, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के ये हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर. NRC को बनाना कब शुरू किया गया था? तो NRC को 2013 में बनाना शुरू किया गया था इस लिस्ट को, और ये अभी 2019 में ये लिस्ट पब्लिश हुआ है. और टोटल इसमें 1200 करोड़ रुपए पब्लिश खर्च किए गए हैं. ठीक है, टोटल कितने को लिस्टेड किया गया है, कितने पीपल को इसमें? तो 3.11 करोड़ पीपल को NRC में लिस्टेड किया गया है. मेगा वेंडर मीट 2019 हेल्ड एट, मेगा वेंडर मीट 2019 कहाँ होगा? केरला, लखनऊ, तमिलनाडु और पुणे. तो लखनऊ में होगा मेगा वेंडर मीट. मेगा वेंडर मीट ठीक है, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा होगा? तो ऑर्गेनाइज किया जाएगा रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO. रिसर्च, डी स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन, एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन. और रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक रिसर्च विंग है इंडियन रेलवे का. गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म अ स्पेशल टाइगर फोर्स. किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो एक स्पेशल टाइगर फोर्स का फॉर्म किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा? उत्तराखंड, असम, राजस्थान और गुजरात. तो ऑप्शन ए इज़ राइट, यानी कि उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने स्पेशल टाइगर फोर्स बनाने का निर्णय किया है. तो स्पेशल टाइगर फोर्स किसके लिए? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उसके ऊपर नज़र रखा जाएगा, ताकि इलीगल ह्यूमन जो उसमें घुस जाते हैं और उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं उनसे सेफ रखा जा सके टाइगर्स को. ठीक है, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? त्रिवेंद्र सिंह रावत. और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य. The Central Board of Direct Taxes has announced a creation of a DAS special cell startup cell for startups. Central Board of Direct Taxes यानी CBDT
ने अनाउंस किया एक स्पेशल क्रिएशन करेंगे, कितने मेंबर का, क्या स्पेशल सेल का नाम क्या है, स्टार्टअप सेल, ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए एक स्पेशल सेल का ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसका नाम है स्टार्टअप सेल। तो उसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स या 5 मेंबर्स, कितने का ग्रुप होगा, तो वो 5 मेंबर्स का ग्रुप होगा, ठीक है। तो स्टार्टअप सेल का काम क्या है, तो जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं यानी कि जो भी कंप्लेन होता है स्टार्टअप से रिलेटेड, तो उनको या अदर टैक्स रिलेटेड जो भी कंप्लेन किया जाता है उनको देखेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। तो चेयरमैन कौन है ऑफ द CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन था आज का, आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। प्लीज़ बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, प्लांट अकेडमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।